अफगान सूरत हाल में तब्दीलियाँ आ रही हैं। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से बातचीत की। मौजूदा सूरत हाल पर तमाम ममालिक नजर रखे हुए हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के इनखला की सहूलत से 28 ममालिक के बाशिंदों ने फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत भी दे रहा है। पाकिस्तान के सफीर मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान के हालात की वजह से सी पैक मजीद अहमियत इख्तियार कर गया। मंसूबे के खिलाफ आलमी सतह पर साजिश हो रही है। बाज दस्ताने पहने हाथ नहीं चाहते कि पाकिस्तान सी पैक में आगे जाए। वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि चीनी बाशिंदों को हर तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी। तालिबान ने यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वैक्सीनेशन करवाएं ताकि बार बार स्कूल्स बंद ना करने पड़े। सिंध हुकूमत ने 100% वैक्सीनेशन वाले स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह बोले के सूबे में स्कूल 30 अगस्त से 50% हाजिरी के साथ खुलेंगे। 80% से ज्यादा स्कूल्स की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। और एहसान मानी को बताओ चेयरमैन पीसीबी 3 साल के लिए तौसी नहीं दी जाएगी। इमरान खान ने रमीज राजा से मुलाकात में उन्हें नया चेयरमैन पीसीबी बनने का इंडिया दे दिया। कहा रमीज राजा का नाम बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को भिजवाएंगे।